वेलकम दोस्तों। दोस्तों मैं आज आप लोगों की लार्ज कैप सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी लेके आया हूं, जो बड़ी कंपनियां हैं जो ऊपर से सब्सटेंशियली डाउन है नीचे, और लार्ज कैप सेक्टर में आती, लार्ज कैप कंपनियों में आती है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली कंपनी जो है ना दोस्तों, ये अदानी विल्मर लिमिटेड है। इसके बाद देखो दोस्तों जुबिलियंट फूड, जुबिलियंट फूड भी अपने पीक से सब्सटेंशियली नीचे गिरी हुई है ना। तो ये 48% के करीब गिरी हुई है। अदानी विल्मर जो मैंने पहले बताया था 56% गिरी हुई है, जुबिलियंट फूड 48% गिरी हुई, यूपीएल 44% गिरा हुआ है। यूपीएल केमिकल सेक्टर का एक दिग्गज शेयर है दोस्तों। इसके बाद एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड अपने पीक प्राइस से 38% गिरा हुआ है। तो एसबीआई कार्ड को लेने के बारे में आप सोच सकते हैं दोस्तों। इसके बाद डिवीज लैब, फार्मा सेक्टर की एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, जो पीक से 35% गिरी हुई है, तो इसको लेने के बारे में आप सोच सकते हैं दोस्तों। इसके बाद डीमार्ट दोस्तों आपको इस प्राइस में कभी नहीं मिलेगी जो आज मिल रही है, तो आप इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। अगर ये गवर्नमेंट रिपीट हो गई तो डीमार्ट आपको 10,000 रुपये में मिलेगा। इसके बाद टेक महिंद्रा, एक बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी है दोस्तों, और ऊपर से ये 30% के करीब डाउन है, तो इसको आप लेने के बारे में सोच सकते हैं। आईटी सेक्टर की कंपनी है। इसके बाद एलटीआई माइंडट्री, ये भी पीक से 30% डाउन है दोस्तों, तो इसको लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद टाटा एलेक्सी, सेमीकंडक्टर में भी काम कर रही है दोस्तों, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के जितने भी सॉफ्टवेयर यही बनाती है दोस्तों टाटा के। सो टाटा एलेक्सी इज ए गुड बाय एट 28% डिस्काउंट, सो यू कैन थिंक ऑफ इट। इसके बाद इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दोस्तों, ये हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है जो अपने पीक से 27% डाउन है, इसको लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद स्कैफलर इंडिया लिमिटेड, बेरिंग की बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, फैग नाम से बेरिंग आता है इसका, एफ ए जी फैग, तो ये ऊपर से 27% डाउन है, आप इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद दीपक नाइट्राइट, दीपक नाइट्राइट भी ऊपर से 27% डाउन है, केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी है दोस्तों, ये कभी भी घाटा खाने वाली कंपनी नहीं है। इसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो है दोस्तों इंडिया का एक अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर है ये, इसमें ये ही कंपनी एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रोडेंशियली काम करेंगे फ्यूचर में। एचडीएफसी लाइफ देखिए दोस्तों ऊपर से 23% डाउन है, तो आप इन दोनों शेयर्स को लेने के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत अच्छा शेयर दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक, सबसे लोएस्ट एनपीए वाला शेयर है दोस्तों, जो कि ऊपर से 23% डाउन है। इसके बाद टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, और ये भी सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी तीनों में इसका इंटीग्रेशन है, सो टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद एशियन पेंट दोस्तों, पेंट सेक्टर की मार्केट लीडर है, 20% पीक से डाउन है, आप इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद बजाज फाइनेंस, फाइनेंस सेक्टर का मार्केट लीडर है दोस्तों, 20% डाउन है पीक प्राइस से, आप इमीडिएट इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद एचडीएफसी बैंक, ये दोस्तों एचडीएफसी बैंक अपने लोवेस्ट पीई पे चल रहा है अभी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो लोवेस्ट पीई पे चल रहा है। एचडीएफसी बैंक पीक से 20% के आसपास गिरा हुआ है, आप इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। इसके बाद बर्जर पेंट, बर्जर पेंट भी ऊपर से 18% गिरा हुआ है दोस्तों, और ये आप मान के चलिए कि एशियन पेंट का सेकेंड रैंक है ये, तो आप इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। इसके डाबर और आईटीसी, ये दोनों हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, एफएमसीजी की कंपनी है, नाम में कोई डाउट ही नहीं है। आईटीसी और डाबर दोनों 20% के आसपास डाउन है, आप इसको चाहो तो लेने के बारे में सोच सकते हो। फिर बजाज फिंसर दोस्तों, फिर बजाज फिंसर 16% डाउन है, बजाज फिंसर एक बहुत अच्छी कंपनी है माइक्रो फाइनेंस की, इसको लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड दोस्तों, इस प्राइस में ये कंपनी आपको, जैसे मैंने डीमार्ट के लिए बोला वैसे ही मैं इसके लिए भी बोल रहा हूँ, हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, इस प्राइस पे आपको ये कभी नहीं मिलेगी, अभी आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद इंफोसिस, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है दोस्तों, पीक से 15% डाउन है, इसको लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां मेरे नजरिए में अच्छे डिस्काउंट में मिल रही हैं, इनको लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। इनमें जो जो पसंद आए उसी को लीजिए, आप पूरी कंपनियों को मत लीजिए, लेकिन जो जो आपको लगे, आप आपके अपने एनालिसिस में अच्छी लगे, आप उसको लीजिए। ये कंपनियां आपको बैंक बैंक इंटरेस्ट से कम डबल का गेन देंगी अगले 5 साल के अंदर, डबल भी दे सकती हैं, 3 गुना भी दे सकती हैं। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।